हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत माना जाता है। आज मैं आपको कश्मीर की पूरी टूर प्लान बताने वाला हूं, जैसे कि कहां और कैसे घूमें, बजट क्या हो सकती है, बेस्ट टाइम क्या है, ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। होप कि आप इस वीडियो के बाद आपकी इस ट्रिप में सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, और साथ में आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जगह थोड़ी महंगी है और आपको घूमने के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, जिससे कि आपको कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा जगहों को एक्सप्लोर कर सकें। अगर आप फैमिली, फ्रेंड्स या हनीमून के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो बने रहें इस वीडियो में और घूमिए मेरे साथ भारत की स्वर्ग माने जाने वाली कश्मीर में। ये ट्रिप 4 डेज की रहेगी, जिसमें हम लोग श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम को एक्सप्लोर करेंगे। कश्मीर एक्सप्लोर करने से पहले सबसे जरूरी चीज की बात करेंगे कि आप यहाँ पर कैसे आए। कपल, फ्रेंड्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकती है, जिससे कम खर्च में यहाँ आसानी से पहुँच सके। देखिए, ट्रिप की शुरुआत श्रीनगर से करेंगे, तो जान लेते हैं श्रीनगर पहुँचे कैसे। बाई फ्लाइट तो आप दिल्ली से श्रीनगर आसानी से सिर्फ 1.5 घंटे में पहुँच सकते हैं, जिसकी प्राइस लगभग आपको 5 से 7 हजार रुपये तक लगेंगे। बाई बस आप दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर की बस मिल जाएगी, जिसकी डिस्टेंस लगभग 818 किलोमीटर है, और इसकी फेयर करीब 1700 रुपये ऑर्डिनरी बस की होती है, और 2300 रुपये में करीब आपको वॉल्वो बस मिल जाएगी। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप www.jksrtc.co.in वेबसाइट से ले सकते हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की टूरिज्म कॉरपोरेशन की बस चलती है। अब बात कर लेते हैं ट्रेन की। तो देश के कई जगहों से जम्मू के लिए आपको आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। उसके बाद जम्मू से श्रीनगर के लिए सबसे पहले आप बनिहाल आ जाएं, जिसकी दूरी 158 किलोमीटर है, और बाई रोड जम्मू की रोडवेज बस आपको मिल जाएंगे। अगर चाहें तो आप शेयर टैक्सी से भी जा सकते हैं, जो थोड़ा अफोर्डेबल रहेगी, और फिर बनिहाल से श्रीनगर के लिए आपको लोकल ट्रेन मिल जाएगी, जिसकी डिस्टेंस लगभग 109 किलोमीटर है, और इस स्टेशन से आपको हर 1.5 घंटे में आपको टिकट मिल जाएगी, जिसकी प्राइस 35 रुपये लगेंगे। इस 1.5 घंटे की सफर आपका बहुत खूबसूरत रहेगा, खासकर जब आप विंटर में आते हैं तो, क्योंकि स्नोफॉल का नज़ारा इस खूबसूरत सफर को और भी मज़ेदार बना देगा। एक और भी ऑप्शन है, आप चाहे तो आप अपने प्राइवेट व्हीकल से सीधे श्रीनगर आ सकते हैं। इसके अलावा पूरी कश्मीर घूमने के लिए पैकेज भी ले सकते हैं, आपको बहुत सारे एजेंसी मिल जाएंगे। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया हूँ, यू कैन चेक देयर। सो अब श्रीनगर पहुँचने के बाद आपको स्टे करने के लिए होटल्स आपको जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, श्रीनगर काफी बड़ी सिटी है और आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको स्टे करना यहाँ की सबसे बेस्ट स्पॉट पर, जो है डल झील के हाउस बोट, जिसका बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस का अनुभव ले पाएंगे। हाउस बोट आपको करीब 1000 रुपये से 2500 रुपये तक की रेंज में आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपकी मील भी इंक्लूड रहेगी, किसी किसी में डिपेंडिंग अपॉन प्राइस। अब बात करते हैं श्रीनगर में घूमने की जगह के बारे में। तो डल झील में ही 12 पॉइंट्स है टोटल घूमने के लिए, जैसे लोटस गार्डन, फ्लावर गार्डन, लिली गार्डन। ये सब पॉइंट्स घूमने के लिए आपके हाउस बोट वाले के पास ही पर्सनल शिकारा बोट होती है, जिसमें आराम से 2 या 3 बैठ सकते हैं, तो आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टेक्ट करके घूम सकते हैं। इस लेक में हर पॉइंट्स देखने के लिए अलग अलग प्राइस की पैकेजेस अवेलेबल है, जैसे कि किसी 4 या 5 पॉइंट साइट सीइंग देखने के लिए आपको 200 रुपये लगेंगे, और सारे ही डल लेक में मौजूदा पॉइंट्स कवर करने के लिए आपको 800 रुपये लगेंगे। सो आप अपने अनुसार देख लें। इसके अलावा श्रीनगर में शंकराचार्य टेम्पल, परी महल, चश्मेशाही बाग, ऐसे और भी कुछ साइट सीइंग है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सब साइट सीइंग के लिए आपको टैक्सी हायर करना होगा।
जिसकी प्राइस करीब 2000 से 2500 रुपए खर्च होंगे, जिसमें आपके सारे अट्रैक्शंस कवर हो जाएंगे। सो फर्स्ट डे आप यहीं हाउस बोट में नाइट स्टे करें। सो सेकेंड डे आप निकल जाएं गुलमर्ग के लिए। श्रीनगर से गुलमर्ग की डिस्टेंस करीब 50 किलोमीटर है और इसे कवर करने के लिए आप टैक्सी या लोकल बसेस भी मिल जाएंगे। टैक्सी करीब 2000 रुपये चार्ज करेगी ड्रॉप करने के लिए और बसेस के किराया सिर्फ 50 रुपये लगेंगे, जो काफ़ी सस्ता है। अगर आपको पूरी गुलमर्ग घूम के वापस श्रीनगर आना चाहते हैं तो टैक्सी वाले करीब 35 रुपये चार्ज करेंगे। और अगर आप गुलमर्ग में नाइट स्टे करने की सोच रहे हैं तो ये भी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, लेकिन यहाँ होटल्स थोड़े महंगे हैं, लाइक 1500 से 5 या 6 हज़ार रुपये, डिपेंड करता है सीजन वाइज। जैसे विंटर में थोड़ा महंगा होता है क्योंकि टूरिस्ट का काफ़ी भीड़ होती है। तो गुलमर्ग पहुंचने के बाद आप यहाँ पर कहाँ और कैसे घूमें इसकी बात कर लेते हैं। गुलमर्ग एक एडवेंचर जगह है और विंटर्स में काफ़ी आपको बर्फबारी देखने को मिलती है। यहाँ आप गंडोला राइड कर सकते हैं। बेसिकली ये रोप वे है और ये रोप वे दो फेज में चलती है। पहली फेज में गुलमर्ग से कंडूर के लिए चलती है, जिसकी फेयर 750 रुपये है, और फेज टू में कंगडोर से अपरवर्थ की चलती है, जिसकी फेयर 950 होती है, जो कि बहुत खूबसूरत होती है। आप चाहे तो दोनों फेज की एक साथ टिकट ले सकते हैं, जो 1690 रुपये की पड़ेगी, और इसमें 3 साल से कम एज वाले बच्चों की टिकट नहीं लगती है। ये जो रोप वे है वो एशिया की सबसे लंबी और सबसे खूबसूरत रोप वे है, जो आपको गुलमर्ग में देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्नो स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग और स्नो स्कूटर की राइड ले सकते हैं, जिसकी अलग अलग प्राइस होती है 500 से 1500 रुपये तक। इसके अलावा गुलमर्ग में शिव मंदिर जा सकते हैं, जो बाय ट्रेकिंग कवर किया जा सकता है, और इस मंदिर से खूबसूरत वैली का नज़ारा देख सकते हैं। इसके अलावा आप गुलमर्ग में अलग अलग पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं, जैसे कि गुलमर्ग टू फ्रोजन लेक, जिसकी टैक्सी फेयर करीब 2000 रुपये, गुलमर्ग टू ड्रंक 1500 रुपये, गुलमर्ग टू स्ट्रॉबेरी वैली 1200 रुपये आपको चार्ज लगेंगे, और ये सभी पॉइंट्स घूमने के बाद आपको वापस ड्रॉप कर देंगे। यहाँ खाने पीने के लिए आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्पेशली फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल, और साथ में वेजिटेरियन भी मिल जाएंगे। सो खाने पीने की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डे 3 में गुलमर्ग से सोनमर्ग जा सकते हैं, जिसकी डिस्टेंस लगभग 119 किलोमीटर है और आपको 3.5 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पहुँचने के लिए आपको टैक्सी वाले 4000 रुपये करीब चार्ज करेंगे, और यहाँ बाई लोकल बस की सुविधा नहीं है। शेयर टैक्सी भी आपको मिल जाएंगे, बट डिपेंड करता है टूरिस्ट पर कि कितने अवेलेबल हैं। तो अब बात कर लेते हैं सोनमर्ग की होटल्स के बारे में। तो यहाँ आपको होटल्स थोड़े सस्ते 700 रुपये से 5000 रुपये तक के मिल जाएंगे। सोनमर्ग अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है। यहाँ घूमने के लिए आपको अलग अलग पॉइंट्स पर जा सकते हैं। आप थाजी वॉस ग्लेशियर जा सकते हैं, वाइट रिवर राफ्टिंग जा सकते हैं, कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक कर सकते हैं, आप बलताल वैली जा सकते हैं, जोजिला पास जा सकते हैं। यहाँ भी आपको खाने पीने में नॉन वेज और वेज दोनों ही मिल जाएंगे। डे 4 में सोनमर्ग से पहलगाम जा सकते हैं। सोनमर्ग से करीब 168 किलोमीटर की दूरी पर है पहलगाम, तो इसके लिए आपको वापस श्रीनगर आना पड़ेगा, क्योंकि यही एक रास्ता है। अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से घूम रहे हैं तो आप सबसे पहले पहलगाम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सोनमर्ग से श्रीनगर के लिए टैक्सी आपको 24 रुपये में मिल जाएंगे, फिर पहलगाम के लिए आपको 2500 रुपये लगेंगे श्रीनगर से। इसके अलावा अगर आप ग्रुप में हैं तो शेयरिंग करके भी जा सकते हैं, और चाहे तो आप बस से भी जा सकते हैं, जो काफ़ी सस्ती पड़ेगी। पहलगाम अपने अमरनाथ यात्रा के लिए जाना जाता है। अमरनाथ की यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ होटल्स आपको 700 रुपये से 2000 रुपये तक की मिल जाएगी। तो यहाँ भी घूमने के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप कवर कर सकते हैं। आप यहाँ चंदनवारी जा सकते हैं, बेताब वैली जा सकते हैं, आरू वैली जा सकते हैं, लीडर रिवर जा सकते हैं, कोलाहोई ग्लेशियर देखने जा सकते हैं, लोलाब वैली जा सकते हैं। यहाँ फूड भी आपको नॉन वेज और वेज दोनों ही मिल जाएंगे।
तो ये थी चारों हिल स्टेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है जिससे आप अपनी ट्रिप को और भी आसान बना सकते हैं। यहाँ आने से पहले या तो आप पोस्ट पेड सिम लेकर आए या फिर यहाँ से आप प्रीपेड सिम ले सकते हैं। अब बात आती है बजट की, तो ये डिपेंड करता है आपकी होटल एकोमोडेशंस और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर कि आप टैक्सी हायर करते हैं तो थोड़ा बजट हाई हो जाता है, वहीं अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी कम खर्च होगी। वैसे एवरेज ओवरऑल बजट आपको करीब 25,000 से 30,000 रुपये हो ही जाएंगे। तो ये थी पूरी कश्मीर की टूर प्लान। सो ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड बजट ट्रिप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।